और यही वजह है कि आज की राजनीति भी राम भरोसे हो चली है, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, राम भरोसे नहीं, काम करोगे तो लोग चुनेंगे, नहीं चुन काम करोगे तो लोग नहीं चुनेंगे, क्योंकि राम जी भी तो कर्मठ लोगों को ही पसंद करते हैं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो न तो राम जी आपको लाइक करेंगे न जनता, क्योंकि जनता और जनार्दन दोनों को पसंद आना जरूरी है। तो देश की राजनीति में भी आपको क्या लगता है, कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है? देखिए, जो काम कर रहा है अकेले, मेरे मानने से और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम ये बात कहते, आज भी हम भगवान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि भगवान के राज्य में, राम जी के राज्य में श्वान को भी न्याय मिलता है, श्वान को भी न्याय मिलता है। और श्वान जब कहता है कि मुझे एक सन्यासी ने डंडा मारा है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि दंड भी तुम्हें तुम्हारे इस सन्यासी को तुम्हारी मर्जी से मिलेगा, बताओ क्या दंड देना चाहते हो। तो जहां ऐसा सुंदर विचार और ऐसा सुंदर न्याय हो, ऐसे राम राज्य की कल्पना हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को कोई दुख न दे। चाहे हम सन्यासी हैं, पर एक हम कुत्ते को भी दुख नहीं दे सकते, उसे आप निर्दोष को कैसे डंडा मारेंगे, तो आप नहीं मार सकते। तो ये न्याय है, ये न्याय प्रणाली है भगवान श्री राम की। तो इसलिए हम, ये लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो, काम भी करो, क्योंकि हम किसी, चाहे MLA हो जाओ, MP हो जाओ, मंत्री हो जाओ, मुख्यमंत्री हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, अंत तो गत्वा तो इतिहास में ही लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति काम करता था और ये व्यक्ति काम नहीं करता था। और नहीं करोगे तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। और हमारी तो, हम और आप दोनों वोटर हैं और ये हम लोग उसी को चुनेंगे जो काम करे। श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के नजरिए में देश के प्रधानमंत्री को लेकर आपकी राय, काम को लेकर? हम लोग तो जितना देख रहे हैं उन्हें जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं। और एक और चीज अच्छी बात है कि वो प्रधानमंत्री के पद पे होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी ये संकोच नहीं होता कि मैं पब्लिकली ये दिखा दूं कि मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं हूं। आप जब प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं, या आप पत्रकार हैं तब भी, या मैं एक कथाकार हूं तब भी, मुझे अपने श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा है, उसे कभी नहीं छिपाना चाहिए। और जब आप उस पद पे बैठे तो उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।